उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस जैसी जानलेवा बीमारी को कम करने के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। आज इसी क्रम में कमीशन सभागार में कमिश्नर ने JAS जैसी भयानक बीमारी के रोकथाम के लिए स्टॉप JAS ऐप का लोकार्पण किया है। इस मौके पर जिला अधिकारी विजेंद्र पांडे, जिला स्वास्थ्य अधिकारी श्रीकांत तिवारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। स्टॉप JAS ऐप के द्वारा सामान्य बुखार से अन्य बीमारियों तक आशा बहुए ANM ये सभी एंड्रॉइड मोबाइल के जरिए मरीज के डिटेल को सीधे स्वास्थ्य विभाग के कंप्यूटर में एंट्री कर पाएंगी, जिसके बाद यहां से डॉक्टरों की एक विशेष टीम उस मरीज से बातचीत कर उसकी स्थिति की जानकारी लेगी। इसके बाद मरीज को सामान्य बुखार है अथवा अत्यधिक तेज बुखार है या फिर कोई अन्य बीमारी है तो उसे सरकारी सुविधाओं के जरिए जिला अस्पताल लाकर उसका इलाज कराया जाएगा। अगर बीमारी गंभीर नहीं है तो पास के ही CSC या फिर PSC पर उस व्यक्ति का इलाज कर उसकी बीमारी को खत्म किया जा सकता है। इस संबंध में जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि इंसेफ्लाइटिस की रोकथाम के लिए हमने एक एप्लीकेशन जारी किया है जो कि एंड्रॉइड मोबाइल से ऑपरेट होगा। इस तरह से आशा बहुओं के पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं होने पर ऐसी स्थिति में गांव के प्रधान या फिर संभ्रांत लोग इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इस ऐप के जरिए वो अपने गांव के मरीज की जानकारी आसानी से हम तक पहुंचा सकते हैं। इंसेफ्लाइटिस के लिए हम लोगों ने आज एक ऐप लॉन्च किया है, मोबाइल ऐप। उस ऐप की खासियत यह है कि वो कोई भी डाउनलोड कर सकता है। डाउनलोड करने के बाद उसमें केवल एक ऐप में बटन होती है, उस बटन को अगर दबा देगा तो वो सूचना हमारे कंट्रोल रूम को, क्योंकि सारे मोबाइल नंबर ANM, आशा और मेडिकल ऑफिसर्स के उसमें फीडेड हैं, कंट्रोल रूम का ही एक मास्टर नंबर है वो फीडेड है, और वो वहाँ पे आ जाएगी, खबर आ जाएगी कि फला नंबर से ये एक सूचना आई है। उस नंबर पे हमारे कंट्रोल रूम में बैठे लोग उसको कॉल करेंगे, कॉल करके डिटेल सूचना लेंगे कि आपने इसको दबाया है कहीं बुखार का, वो खास करके बुखार के मरीजों के लिए है। गोरखपुर से जनमत न्यूज़ के लिए अजीत सिंह की रिपोर्ट।